हमें याद है हमारे अपने जीवन में जब हमने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तक नहीं सुना था और बहुत छोटे भी थे, 15-15 ईयर्स, अभी 12th स्टैंडर्ड, 15 या 16 साल, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी। हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले। महाराष्ट्र में एक मेडिकल कॉलेज है सेवाग्राम, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट रहता है गांधीयन थॉट्स, वो पास करना पड़ता है तब कहीं जाके उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है। उनके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए कुछ किताबें हमारे पिताजी लेके आए महात्मा गांधी की, उसमें से एक किताब थी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, जीवन कहानी। और हम ये कहेंगे अब तक का जो जीवन था संपूर्ण अंधकार में, फिर वो किताब हाथ में आई और हमने पढ़ना चालू किया, क्योंकि एग्जाम देनी थी, क्योंकि एडमिशन के लिए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और धीरे धीरे लगने लगा ये क्या है। लेखक लिखता है कि मैंने बीडीपी, फिर पश्चाताप किया। लेखक लिखता है मैंने चोरी की, पश्चाताप हुआ। मैंने नॉनवेज खाया, फिर पश्चाताप किया, अपने पिता से झूठ बोला। हमें लगा ये जैसे हमारे जीवन में हमने भी ऐसे पाप किए, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था पर लगा ऐसा। और वो किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन हो गए, चुप, और चुप ऐसे हो गए कि अगले 6 मास तक कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। जीवन जो संसार की ओर जा रहा था अध्यात्म की ओर मुड़ गया। जागृति आई जैसे कि कल्प कल्प पहले वाली, बार बार हमको दिखता था जैसे कोई तपस्वी। वो कौन सी पहाड़ियां है पता नहीं, पर पहाड़ियों के बीच जैसे हम तपस्या कर रहे हैं। उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था अध्यात्म क्या होता है। तब से यात्रा चालू हुई उस मौन से। हमारे घर वालों को लगा इसको क्या हो गया, इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, बोलता ही नहीं। पर उन्हें क्या पता कैसी क्रांति घटित हुई। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया, MCVM, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ऐसे 2 ग्रुप रहते थे। दोनों में हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, सब लोग इतने खुश। एक में 95%, एक में 97% मैथमेटिक्स ग्रुप, इंजीनियरिंग और मेडिकल। पर वो जब रिजल्ट आया, हम इस संसार से बाहर निकल चुके थे, पैर उखड़ चुके थे संसार से। ऐसा वैराग समा गया अंदर कि जैसे ये क्या है, ये लोग क्यों खुश हो रहे हैं, इनको किस बात की खुशी हो रही है। ये लौकिक, ये संसार, जीवन का तो ये लक्ष्य ही नहीं है। जीवन का एक ही लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन। सुबह की मुरली में है शब्द ही। फिर ये तो सब व्यर्थ है, आगे स्टोरी कुछ और है, वो कभी और सुनाएंगे। परंतु कहने का भाव, बिना मौन के तपस्या नहीं हो सकती, और वास्तविक मौन में ही हम भीतर घुसते हैं। नहीं तो हमारी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या देखो क्या है। हमारा अमृत वेला भी बाह्य मुक्ता, मुरली भी बाह्य मुक्ता, सेवाएं जो कर रहे हैं वो केवल बाह्य मुक्ता है। कितना देर हम चुपचाप एकांत में आंखें बंद करके अंदर बैठ सकते हैं। अधिष्ठान, अंदर जाओ तो डर लगता है, इसलिए बाहर ही रहते हैं ज्यादा समय। गो विद इन, देखो अंदर क्या है। एक चेयर पर बैठो और हिलना नहीं 1 घंटा तक, पैर भी ना हिले, उंगली भी ना हिले। उसको कहते अधिष्ठान की बैठक। बुद्ध को देखा कैसे बैठे, महावीर को देखा कैसे बैठे, ब्रह्मा को देखा कैसे बैठा है वह। अधिष्ठान, तप में जरा सी हलचल नहीं है शरीर में, और हम कैसे बैठते हैं। शरीर डोलते रहता है, मन भी डोलेगा शरीर के साथ। सहज राजयोग, शरीर को साधो। मौन 3 प्रकार का है, 1 मुख का, 1 शरीर का और 3रा मन का। शरीर का मौन अर्थात स्थिर,
बुद्ध प्रवचन दे रहे सामने एक व्यक्ति बैठा है, एक भिक्षु, वो अपने पैर को अंगूठा हिला रहा है। बुद्ध रुक जाते हैं, कहते क्या हुआ? पहले कहते अंगूठा रोक, हिलाना बंद करो, साधना का पथ है, परिश्रम का पथ है, शरीर को साधो, पहले स्थिर कर दो, मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। तो बाह्य मुक्ता से निकलकर अंतर्मुक्ता में चलना है। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।